नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 का गणित का तीसरा अध्याय पूर्णांक इंटीजर्स पढ़ते हैं। इंटीजर्स में या पूर्णांक में प्रश्नावली 3.1 हम लोग शुरू किए हुए थे, प्रारंभ किए थे। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक बना लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हम लोग को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करने से पहले हम लोग इस नंबर लाइन पे जरूर ध्यान देंगे। यहाँ पर 0 होता है, 1, 2, 3। इधर बढ़ेंगे दाहिनी ओर तो बढ़ेगा, इधर चलेंगे तो घटेगा। जैसे -1, -2, -3 देख रहे हैं, ये इस तरह से चलेगा। ये सबसे पहला काम कहा, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है, 0 है, तो ये तो गलत है। 0 न तो ऋणात्मक होता है न तो धनात्मक होता है, 0 एक पूर्णांक है। 0 न तो ऋणात्मक पूर्णांक है और न तो धनात्मक पूर्णांक है, 0 सिर्फ पूर्णांक है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है, सत्य, ठीक है। -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, हम लोग इसको देखेंगे। संख्या रेखा पर जब ऐसे लिखेंगे हम लोग तो क्या होगा, यहां पर मान लीजिए -25 आएगा, इधर आएगा -26, यही होगा ना। तो दाहिनी ओर की संख्या बड़ी होती है, तो -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, तो -25 यहाँ है, -26 ये है, तो ये बाएं तरफ हो गया, -25 के बाईं ओर है ये, इसलिए यह छोटा है, तो ये भी हो गया असत्य। इसके बाद हम लोग देखते हैं, सी देखेंगे, संख्या रेखा पर -7, -11 के दाईं ओर स्थित है, तो -7 यहां होगा, -11 इधर होगा, ठीक है। तो -11 के दाईं ओर -7 स्थित है, -11 के दाहिनी ओर है ना -7, इसलिए ये कहा -7, -11 के दाईं ओर है, तो सही है। तो हम लोग इसको लिखेंगे सत्य, ठीक है, ये भी सत्य हो गया, ये सत्य हो गया, ये दोनों असत्य है। इसके बाद डी देखते हैं, संख्या रेखा पर -50, -100 के दाईं ओर स्थित है, तो -50 यहां होगा, -100 इधर होगा, तो -100 का इधर दाईं ओर है ना, इधर चलेंगे दाईं ओर होगा, तो ये भी सत्य हो जाएगा हमारा, ये सत्य है। फिर ऋणात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती है, तो देखिए तो 0 यहां पर है, तो 0 से बड़ा कौन होगा, धनात्मक संख्या, और ऋणात्मक संख्या छोटी हो जाएगी, ठीक है, तो ये असत्य हो गया, ये असत्य है। नंबर 8 है, वर्ष के किसी विशेष दिन को भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। ये भारत का स्थान दिया हुआ है, इधर तापमान दिया हुआ है। कहता है सियाचिन में 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है, माने 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, और ये 2 डिग्री सेल्सियस नीचे है, ये 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, ये 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, ये 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे है। कहता है इन स्थानों के तापमान को पूर्णांक के रूप में लिखिए। तो सबसे पहला काम हम लोग यहां पर यही बगल में लिख देते हैं, ए का हल यहीं पे कर देते हैं, यहां लिख देते हैं पूर्णांक, ठीक है, ये पूर्णांक के रूप में लिखना है। 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, माइनस मतलब -10 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस नीचे बोलता है 0 डिग्री से, तो 0 से 2 नीचे चलेंगे तो कितना होगा, -1, -2, तो -2 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, मतलब राइट साइड जा रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे +30 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो ये हो जाएगा +20 डिग्री सेल्सियस। ये बोलता है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे बोलता है, नीचे मतलब -5 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा आंसर। हम लोग यदि इस क्वेश्चन को देखें, ये कहता है निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है, यही संख्या रेखा है, ये बता रहा है कि ये डिग्री सेल्सियस में तापमान को निरूपित कर रहा है, ठीक है।
तो पूछता है हम लोग से कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। इसका बी है, बी कहता है कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। क्वेश्चन यही है। तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे संख्या रेखा पर ये -10 है, -10 कहां जाएगा, यहां पर जाएगा, फिर है -2, तो -2 यहां पर लगभग आना चाहिए, और उसके बाद देखेंगे -5, तो -5 मेरा यहां पर है, और बाकी जितना है धनात्मक है, तो धनात्मक संख्या तो ऐसे ही बड़ा है, तो हम लोग इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, बचा मेरे पास ये 3। तो देखेंगे संख्या रेखा पर सबसे बाईं ओर कौन है, सबसे बाईं ओर है -10। -10 किसका टेम्परेचर है, सियाचिन का। तो कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सियाचिन। हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो -15 से बड़ा बोला है 4 ऋणात्मक पूर्णांक, तो बड़ा मतलब राइट साइड चलेंगे हम लोग। तो देखिए इसके पहले जस्ट क्या है, -14, फिर -13, -12, -11, 1, 2, 3 और 1, 4 हो गया। हम लोग इसको आंसर लिख देंगे, ये हो गया मेरा ए का। बी कहता है -15 से छोटा 4, तो छोटा बाएं तरफ चलेंगे, तो यहाँ क्या आएगा -16, -17, -18, -19, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। नंबर 10 है, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हम लोग संख्या रेखा यहाँ पे पहले हम लोग ड्रॉ कर लिए। ये कहता है यदि हम -2 के दाईं ओर 4 इकाई चलेंगे, तो -2 मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर, यहां से बोला है 4 इकाई चलने को, तो 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई, 4 इकाई चले तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे, तो बताइए किस पर पहुंचेंगे, 2 पर। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे 2 पर, ये हो गया आंसर। अब दूसरा देखिएगा, यदि हम एक के दाईं ओर 4 इकाई चले, तो एक यहां पर है, कहता है इसके 4 इकाई चलेंगे, दाईं ओर 4 इकाई चलेंगे, तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो हम लोग यहां पर देखेंगे क्या कि मेरा जो है एक यहां पर है, तो एक इकाई यहां चलेंगे, बोला है 4 इकाई चलने को, तो 1, 2, 3, 4 कहां पहुंच गए हम लोग, एक के दाईं ओर 4 इकाई, तो 1, 2, 3, 4 इकाई चल दिया हम लोग, 1, 2, 3, 4 5 पर पहुंच गए, तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे, तो 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। यदि हम संख्या रेखा में -3 पर हैं, तो -9 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा, देखिएगा -3 यहां है, -9 इधर है, तो दिशा किधर हो गया, बाईं ओर, ये दिशा हो गया इसका। फिर पूछता है कितना इकाई चलना होगा, तो -3 चलेंगे हम लोग, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाई बाईं ओर 6 इकाई। यदि हम संख्या रेखा पर -3 पर हैं, तो -9 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में, तो -3 के 9 किधर है, -9 बाईं ओर है, तो बाईं ओर लिखेंगे, कितना इकाई चलना होगा, तो यहां से चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाई चलेंगे, तो पहुंचेंगे हम लोग -9 पर। अगला क्वेश्चन है, यदि हम संख्या रेखा में -6 पर हैं, तो -1 पर पहुंचने के लिए देखिए -6 यहां पर है, यहां से हमको -1 पर जाना है, तो इधर चल रहे हैं हम लोग, तो दाईं ओर चलेंगे हम लोग, तो किस दिशा में चलेंगे, दाईं ओर। पूछता है कितना इकाई चलेंगे, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे दाईं ओर 5 इकाई, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, कितने इकाई चलना चाहिए, 5 इकाई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इनके मान लिखिए, ये दिया हुआ है -7, ठीक है, इसका निरपेक्ष मान, इसका मतलब है निरपेक्ष मान, विशुद्ध मान, जो भी बोलेंगे हम लोग, तो
ए लिखेंगे माइनस सात बराबर, तो ये हो जाएगा सात। फिर बी में देखेंगे हम लोग प्लस ग्यारह बराबर हो जाएगा ग्यारह। सी में देखेंगे माइनस नाइन, तो ये हो जाएगा नाइन। ये जो है ना, यदि माइनस या प्लस में हो तो साइन को हटा देंगे हम लोग, तो साइन को हटाने के बाद जो नंबर आएगा उसको हम लोग उसका बोलते हैं निरपेक्ष मान या विशुद्ध मान, ठीक है। इसी तरीका से हम लोग डी को लिखेंगे प्लस छः, तो इसको लिखेंगे छः, सिर्फ साइन जो है ना वो हट जाएगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं निरपेक्ष मान या परम मान, ठीक है, या एब्सोल्यूट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्म में कौन बड़ा है, तो हम लोग याद रखेंगे प्लस में तो कोई दिक्कत तो है नहीं कि प्लस, और यदि माइनस है तो धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होगी, तो जैसे पहला वाला में कौन बड़ा होगा तो प्लस एट। बी में देखेंगे हम लोग, ये हम लोग यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं ना, तो बी में देखेंगे प्लस सात और प्लस नौ, तो दोनों साइन प्लस में है, तो संख्या जो बड़ी होती है जो नंबर लाइन पे जो संख्या दाई ओर होती है, तो सात के बाद आठ, आठ के बाद नौ होगा मतलब दाई ओर, तो संख्या कौन सा बड़ा हो गया इसका, प्लस नौ बड़ा है। माइनस पांच और माइनस टू में हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है, यदि ऋणात्मक संख्या जो है, जो बड़ी संख्या है वो छोटी होगी और जो छोटी संख्या है वो बड़ी होगी, इसको सिर्फ ध्यान में रखिएगा। तो पांच बड़ी है लेकिन साइन माइनस का है, तो ये छोटा हो गया, तो ये वाला साइन, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा माइनस दो बड़ा होगा, माइनस पांच से माइनस दो बड़ा है। इसके बाद माइनस दो और जीरो में कौन बड़ा है, तो हम लोग ये नंबर लाइन पे देखिएगा कि माइनस दो के बाद माइनस एक और जीरो, मतलब सब दाहिनी ओर होगा, माइनस दो के दाहिनी ओर होगा जीरो, तो जीरो जो की है वो बड़ी है, तो हमसे पूछा है यहाँ पर कौन बड़ा है इसमें से, तो जीरो, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का था निम्नलिखित पूर्णांकों के परवर्ती लिखिए, तो परवर्ती और पूर्ववर्ती दो चीज होता है, पूर्व का मतलब होता है पहले और पर का मतलब होता है बाद में, तो परवर्ती मतलब बाद वाली संख्या को लिखना है, जैसे माइनस सात है तो माइनस सात के बाद, कहने का मतलब है इसमें हम लोग करते हैं क्या, इसमें हम लोग प्लस वन करेंगे, ठीक है, तो माइनस सात प्लस एक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सिक्स, मतलब माइनस सात के पहले कौन सा नंबर होगा, ठीक है, मतलब ये नंबर लाइन पे हम लोग ऐसे नंबर लाइन पे, यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा माइनस सात है, तो यहाँ माइनस छ, माइनस माइनस पांच, ऐसे करते चलेगा, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, ये चलेगा ना, तो माइनस सात के बाद क्या आएगा, तो माइनस सात हम लोग इसमें याद रखेंगे नंबर लाइन पे दाईं ओर बढ़ने पे संख्या जो की उसके बाद का मिलता है, तो माइनस सात के बाद माइनस छ, मतलब हम लोग प्लस वन करेंगे तो माइनस छ, ये हो गया मेरा ए। बी देखिए माइनस वन, प्लस वन कर लेंगे तो जीरो, देखिए माइनस वन यहां है, इसके बाद संख्या क्या होगा, इधर बढ़ते जाएंगे तो जीरो। फिर सी को देखिएगा, जीरो है तो जीरो प्लस वन कर लेंगे तो वन। इसी तरीका से फिर हम लोग डी को करेंगे, माइनस सौ प्लस वन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस निन्यानबे, तो संख्या रेखा पर वो माइनस निन्यानबे होगा। निम्नलिखित पूर्णांकों के परवर्ती लिखिए, माइनस सौ के पहले का क्या होगा संख्या, बाद का संख्या, तो माइनस निन्यानबे। अब बोलता है क्वेश्चन नंबर 14 को निम्नलिखित पूर्णांकों के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला संख्या, मतलब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग माइनस वन कर लेंगे। जैसे देखिए ए जीरो है, इसमें से माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन। बी करेंगे वन माइनस वन बराबर जीरो। सी करेंगे माइनस फोर्टी नाइन माइनस वन, तो माइनस फिफ्टी। डी एक हजार माइनस वन बराबर नौ सौ निन्यानबे, तो माइनस सात का परवर्ती क्या होगा, माइनस छ। माइनस एक का परवर्ती क्या होगा, जीरो। जीरो का परवर्ती वन। माइनस हंड्रेड माइनस एक सौ का परवर्ती माइनस निन्यानबे। जीरो का पूर्ववर्ती माइनस वन। एक का पूर्ववर्ती जीरो। माइनस वन उनचास का पूर्ववर्ती माइनस पचास। एक हजार का पूर्ववर्ती नौ सौ निन्यानबे। तो
हम आशा करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज हम जो पढ़े वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।